हाय एवरीवन, वेलकम अगेन गाइस इन योर ऑन यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं सतीश और आज हम फिर से बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सुपरवाइजर एग्जाम। ओके, सो जैसे कि आप लोगों को पता है हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है सुपरवाइजर एग्जाम्स के लिए। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके लिए, विदाउट कंसेप्ट को क्लियर किए अगर आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनका ये मानना होता है कि हम सीधा एमसीक्यूज उड़ाते हैं, अगर हम कहीं से एमसीक्यूज मिल जाते हैं तो हम उसी को रट्टा मारेंगे और एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एमसीक्यू से भी पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उन सभी टॉपिक्स के। अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए एग्जाम में, आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ के जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पहली सबसे फेलियर का काज ये रहेगा कि एक सिंगल वर्ड कभी भी किसी के माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं करता, वो भूल जाता है। ओके, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर सपोज़ उस चीज़ के रिलेटेड आपको कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन डाल दिया जाए, सेम आंसर हो, बेशक उसका सेम आंसर हो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। सो इसलिए एमसीक्यू करने से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उन सभी टॉपिक्स के। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो एमसीक्यूज में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, तो आप हमारा सुपरवाइजर मेंबरशिप ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक्चुअली ये ग्रुप जो है एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सुपरवाइजर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहीं पर भी रहते हों। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो किसी भी जगह पे रहते हो, JNK स्टेट की किसी भी जगह पे रहते हो, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली इस ग्रुप में है क्या क्या, इस ग्रुप में सबसे पहले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑनलाइन लेक्चर जिसके थ्रू आपके जो भी कंसेप्ट हैं ना टॉपिक्स के, वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आफ्टर दैट जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना तो नोट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ओके, सो उसके बाद आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद MCQs बेनिफिशियल रहते हैं। ओके, सो अगर आप सोच रहे हो मैं स्टार्टिंग से ही MCQs से स्टार्ट करूंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, ओके, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो देखो, MCQs के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन टेस्ट, मतलब कि आपकी प्रिपरेशन से लेकर आपकी प्रैक्टिस तक आपको हर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो इसका जो मेन एक्चुअली इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 500 पे करने हैं। और ये 500 कहाँ पे कैसे करने हैं, ये जो नंबर आप देख रहे हो 7006002724, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। सो गाइज, ये जो मेंबरशिप ग्रुप है ना, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ओके, सो स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि मतलब आपको एक ही जगह पे आपकी प्रिपरेशन से लेकर आपकी प्रैक्टिस तक हर एक चीज़ फिलअप की जाएगी। देख, अब हम बढ़ते हैं अपने MCQs की ओर। तो सबसे पहला जो हमारा MCQs है वो ये है कि हो अमंग द फॉलोइंग वाज एन एडवोकेट ऑन नेचुरल लिबर्टी, मतलब कौन सा सोशियोलॉजिस्ट आप लोग कह सकते हो, सोशल साइंटिस्ट आप कह सकते हो कि नीचे वो कौन सा है जिन्होंने एडवोकेट किया था किसको, नेचुरल लिबर्टी को। तो हु वाज दैट वाज रूसो। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि विच मेंबर ऑफ द UN इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द UN। तो वो कौन सा सिंगल मेंबर था जिसने सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो कहते हैं कंट्रीब्यूट किया था किसमें, UN में। सो दैट वाज USA। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि डेमोक्रेसी इंप्लाइड द फॉलोइंग, डेमोक्रेसी किस चीज़ के लिए बनाई थी, व्हाट वाज द रीज़न। और मतलब हम जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज़ के डेफिनेशन देते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली किस चीज़ को एम्प्लाइड करता है, व्हाट वाज द काज बिहाइंड मेकिंग द डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट या दिस टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज़ प्रिवेलिंग राइट नाउ इन आवर कंट्री। तो ये इसका जो आंसर है वो है मॉरल अपलिफ्टमेंट। तो मतलब मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए ही डेमोक्रेसी जो चीज़ है, मतलब डेमोक्रेसी जो है वो लागू की गई थी, इस थिंकिंग के ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया गया था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि जो एक फॉलोइंग जितने भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं तो इनमें से मेरिट क्या है, ठीक है ना। द फॉलोइंग इज़ अ मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो मेरिट है किसका, डेमोक्रेसी का। सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिव रिजीम जो है, दैट इज़ द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ओके,
फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि इन विच एस्पेक्ट लिबर्टी इज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट, मतलब किस कंसेप्ट में, सॉरी एस्पेक्ट में जो लिबर्टी है उसको एब्सोल्यूट कंसिडर किया जाता है। सो गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आप तभी इजीली यू नो फाइंड आउट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, जब आपको कंसेप्ट पता होंगे। ये एक्चुअली फोर्थ यूनिट के MCQs हैं, ओके, जिसमें लिबर्टी वगैरह चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं आप सबके साथ। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए, ओके, नेगेटिव एस्पेक्ट में, क्योंकि लिबर्टी एज यू नो इसके दो एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव एस्पेक्ट में जो लिबर्टी है उसको एब्सोल्यूट कंसिडर किया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट बात करें अगर हम सिक्स क्वेश्चन की, तो सिक्स क्वेश्चन में कहता है कि जो नीचे दिए गए जितने भी राइट्स हैं उसमें से सोशल राइट्स कौन से हैं। एक्चुअली आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राइट्स दिए गए हैं उसमें से सोशल कौन सा है, पॉलिटिकल कौन सा है, सिविल कौन सा है। तो वो कब होगा? वो तभी होगा जब आप कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो अगर अब इस तरह के कंसेप्ट, इस तरह की चीज़ें जो टॉपिक्स के कंसेप्ट जो है इजी वे में आप लोग अगर क्लियर करना चाहते हो, तो आप हमारा मेंबरशिप ग्रुप जो है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आप उसको देखो और मुझे कॉल करो, ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट जो हैं टॉपिक्स के रिलेटेड वो क्लियर हो सकें, ओके। सो इसका जो आंसर है दैट इज राइट टू एजुकेशन, सो इट इज द सोशल राइट, ओके। सेवंथ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो सेवंथ क्वेश्चन में कहता है कि जो नीचे दिया गया है उसमें से सिविल राइट कौन सा है, तो दैट इज राइट टू फ्रीडम, ओके। एट्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो राइट्स हैं उनमें पॉलिटिकल राइट कौन सा है, तो पॉलिटिकल राइट की अगर हम बात करें दैट इज राइट टू वोट, सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन जो है, नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है, नाइन्थ क्वेश्चन ने एक्चुअली एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है और बोला गया कि ये किसने कहा था, वो डेफिनेशन क्या थी कि ये राइट कॉन्स्टिट्यूट द असेंशियल कंडीशन ऑफ गुड लाइफ, ओके। तो वो कौन थे, वॉज दैट हु डिफाइन एंड हु सेड दिस टाइप दिस लाइन, तो वो थे हमारे JS मिल, हमारे नहीं आप सबके, ओके। तो टेंथ की अगर हम बात करें, तो कहता है राइट टू मैरिज एक्ट जो है वो क्या है, नेचुरल राइट है, पॉलिटिकल है, सिविल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, तो कौन सा राइट है, दैट इज़ सिविल राइट, ओके। सो देखो, चीज़ें जो रहती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं और सिंपल ही बेसिक से ही क्वेश्चंस आते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम उन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ों तो मतलब हर किसी को पता होती है, बट बेसिकली क्वेश्चन बेसिक से ही डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, थोड़ा सा लैंग्वेजेस को चेंज कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, और जो बाद में जाके आप लोग ही बोलते हो कि सिलेबस मतलब जो आया था वो था ही नहीं, जो पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि किताबों को रटने से बेटर है कि अपने कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कॉप अप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाते हो उन चीज़ों में, तो वो कभी भी यू नो शॉर्टकट जो है ना वो ज़्यादा देर तक रिलाई नहीं करता, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ आपको एक थोड़ा ना देना, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं देने हैं। देखो, एग्ज़ाम आपने देते रहना और उसमें से क्वालिफाई सिर्फ एक बार अगर आपका क्वालिफाई होगा तो कहानी वहीं पे ख़त्म, ओके। सो इस तरह से प्रैक्टिस करो कि आपकी हर टाइम इम्प्रूवमेंट हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर शॉर्टकट अपनाने से कुछ भी नहीं होगा। सो मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि हमारे जो सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप है वो ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, ये नंबर दिख रहा है 7006002724, इस पर मुझे कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओके। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज सतीश साइनिंग ऑफ, बाय, थैंक यू गाइस।